बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू बिज़नेस उड़ान सीरीज़। आज की एपिसोड हमारे एक ऐसे काम के बारे में है जो हम अक्सर कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान की जब बारी आती है तो आपको पता है उसके लिए उसके बनाने का अमल पहले शुरू होता है। तो बनाने के अमल के लिए जो एक बिज़नेस से हमारा वास्ता पड़ता है वो हार्डवेयर का बिज़नेस है, यानी कि सैनिटरी और हार्डवेयर का बिज़नेस। तो आज हमारे साथ मुनीर हार्डवेयर के ऑनर मोहम्मद मुनीर साहब हैं जी। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपने आज हमें टाइम दिया। तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आपने ये काम कैसे शुरू किया, उसका थोड़ी हिस्ट्री हमें बता दें। मैंने इस काम का आगाज़ जो है 1990 से शुरू किया था और 10 साल मैंने अपने भाई की शागिर्दी की है। मेरा भाई भी पहले मुलाजमत में था, फिर उसने मुलाजमत करते करते उसको कहीं दुकान उसी मोची बाज़ार में मिल गई, तो उसने वहाँ फिर उसका कारोबार शुरू किया। फिर मैं अब 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो फिर मैंने 9वीं में ही 10वीं का पेपर दिया। वो उस वक्त पेपर इकट्ठा हो जाता था, 1990-92 की बात है। तो मैंने 9वीं में फिर 10वीं का पेपर देकर अपने भाई के कारोबार में शरीक हो गया। तो वाले साहब ने कहा भाई के साथ शरीक हो, जो भाई अकेला है। तो मैंने 10 साल फिर भाई के साथ कारोबार किया, और 10 साल कारोबार करने के बाद, क्योंकि अब मैं काम सीख चुका हूँ और मुझे काफ़ी तजर्बा भी हो गया है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे पता लग गए हैं, तो कहाँ से ख़रीदारी होती है, कहाँ से इसको कैसे सेल करना है, कैसे परचेज़ करना है, तो काफ़ी वाफर मकदार में मुझे इसका तजर्बा हो गया था। तो फिर मैंने उसमें मोहल्ला राजा सुल्तान नेक आलम पठा डिग्री कॉलेज रोड पर, मैंने यहाँ किराए की नीयत से मैं आया दुकान ढूंढने के लिए। तो मुझे यहाँ फिर एक दुकान मिल गई, तो उसका मालिक था मुगल जमील। तो 3500 रुपये मैंने दुकान किराए पर ली और कोई 10-1000 रुपये मैंने उस वक्त एडवांस दिया था। तो फिर 1.5-2 साल मैंने वो दुकान किराए पर की, तो चूँकि मेरी उस मोहल्ले में अपनी दुकान भी थी जो हमने किराए पर लगाई हुई थी, तो वो किराएदार से मैंने फिर दुकान वो खाली करवाई, और 2 साल किराए पर रखने के बाद मैं अपनी दुकान पर शिफ्ट हो गया। फिर सामान वगैरह मैंने यहाँ डाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो 3.5 लाख से मैंने इस काम का आगाज़ किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी दुकान के अंदर कोई तकरीबन कोई 25 से 30 लाख रुपए का माल मौजूद है, और ये सारा दयानतदारी ईमानदारी के साथ मैंने कारोबार किया है। और इसमें अल्लाह ने इतनी बरकत दी है कि मेरे घर के अखराजात, मुलाजिम के अखराजात, बिजली गैस, बिजली का बिल, मकान, ये वो सारे इंशाल्लाह मैं बहुत आसानी के साथ इन मामलों को डील कर लेता हूँ, और मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भाई अगर ये कारोबार करना चाहता है तो वो भी इसी नियत से कारोबार करे, और दयानदारी को, सच्चाई को, ईमानदारी को रख कर कारोबार करे। जी, तो हमने देखा कि मुनीर भाई का काम 3.5 लाख से शुरू हुआ, तो आज उनका जो एक एस्टीमेट है कि तकरीबन 25 से 30 लाख की इन्वेंट्री इनकी दुकान के अंदर मौजूद है। तो जी, अब अगर आज मेरे व्यूअर्स में से कोई अगर ये कारोबार शुरू करना चाहे तो उसके लिए कितना चाहिए होगा, क्योंकि 2005 और 21 में तो काफ़ी अब डिफरेंस आ चुका है, तो आज के लिहाज से हमें थोड़ा बताइएगा कि कितने का माल चाहिए होगा और पगड़ी और रेंट कितना आज हमें देना पड़ेगा। ये तो दुकान के साइज़ के हिसाब से है कि जितनी छोटी दुकान है उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी बड़ी दुकान है फिर उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आपकी दुकान 12x12 की है, 10x10 की है या 20x10 की है, तो उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर 12x12 की है, 10x10 की है, तो उसके लिए तो आपको 10-12 लाख रुपए चाहिए। अगर 20x10 की दुकान है तो उसके लिए आपको 30 से 40 लाख रुपया चाहिए काम करने के लिए। अगर आप किसी कंपनी के साथ करते हैं तो फिर तो अच्छी बात है, उसमें भी आपको कंपनी काफ़ी बेनिफिट दे सकती है, आपको उधार दे सकती है, आप इसके साथ एग्रीमेंट कर सकती है कि भाई ये माल हम आपकी दुकान को भर देते हैं। अगर कंपनी दुकान को भर देती है फिर आपके साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि आपने माहाना और या हफ्तावार आपने इतनी पेमेंट हमें देनी है। अगर आप दे सकते हैं तो सो वेलकम, अगर आप नहीं दे सकते तो इसका होलसेल की जो मार्केट है, मोची बाज़ार है, हसब ज़रूरत वहाँ की जो चलने वाली चीज़ें हैं वहाँ से ख़रीदारी करके आप अपनी दुकान को चला। जी, हमने देखा कि कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट या सरमाया हमें चाहिए, वो तकरीबन 12 लाख जो है उसका जो इन्वेंट्री आपने डालनी है, जो आइटम्स अपनी दुकान के अंदर सेंट्री के डालने हैं, हार्डवेयर के डालने हैं, उसके अलावा तकरीबन 2 लाख एडवांस और 15 से 30 हज़ार लोकेशन वाइज, क्योंकि डिफरेंट होता है किराया, तो तकरीबन हमें इसमें ये इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी 12 लाख 30 हज़ार अगर हम बात करें इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगला ये है कि क्योंकि जब हम दुकान शुरू करेंगे तो उसके साथ हमारे महाना खर्चे भी होंगे, जो कि रेंट हो गया आपका, उसके अलावा आपके कोई अगर सेलमैन रखा हुआ है, कोई वर्कर रखा हुआ है, और फिर बिजली के खर्चे, तो ये आपका ये महाना खर्चा कितना इनिशियली हमें उठाना पड़ेगा, ज़रा उसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दें। जो अखराजात हैं वो तो आपको खुद ब खुद पता होगा कि मैंने दुकान कितने किराए पर ली है। अगर आपकी दुकान जो है वो आपने 15,000 रुपये के महीने के ऊपर ली है
तो 15,000 रुपये आपकी दुकान का किराया है, 15,000 रुपये आप मुलाजिम की तनख्वाह है, और गैस बिजली का बिल पानी का बिल डाल ढूल के वो तकरीबन आपको 40,000 रुपये में ये दुकान किराए पे पड़ती है। 40 के अलावा ये 40,000 रुपये निकाल के उसके अलावा आपने घर के अखराजात निकालने हैं जो आपके घर की ज़रूरियात हैं। और आजकल आपको पता है महंगाई 3 से 4 बल्कि मैं तो कहूँगा 10 गुना बढ़ चुकी है कि आप तो दो जिसके मियाँ बीवी हों और दो बच्चे हों उसको कम से कम 2,000 रुपया रोज़ चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खिला भी सकता है, अच्छा पहना भी सकता है और अच्छी रोटी भी खिला सकता है और हर मामलात को आसानी के साथ वो डील कर सकता है, अपनी शादी ब्याह अपनी गमी खुशी तो आसानी के साथ ये मामला डील हो सकते हैं। अगर आपकी की दुकान इतना खर्चा नहीं निकाल रही तो इससे बेहतर है कि आप कहीं जॉब कर लें। जी हमने देखा कि मुनीर भाई कह रहे हैं कि पहले जो इनिशियल सरमाया तकरीबन 12 लाख पगड़ी और 30,000 किराया, 12-30 वो हो गया और बाकी जो है उसके अलावा हमने देखा कि जो महाना खर्चे हैं वो तकरीबन 40 से 50,000 है, 30,000 आपका रेंट आ गया, 5,000 तकरीबन आपका जो है बिजली के बिल वगैरह आ गए, पानी का बिल, और बाकी जो है उसके अलावा जो है एक लेबर अगर एक बंदा सेलमैन रखा हुआ उसकी तकरीबन जो है 15,000 सैलरी बन जाएगी एक बंदे की, तो ये तकरीबन 12,80,000 आप कह लें कि ये हो गया। लेकिन उसके अलावा आपको जहन में रखना चाहिए कि एकदम से आपका कारोबार जो है चलना शुरू नहीं हो जाता, तो कम से कम आपके पास महाना खर्चे की मद में जो है 6 महीनों का खर्चा आपकी जेब में होना चाहिए, तो इस काम के लिए तकरीबन 3 लाख बनता है जो यानी कि 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 3 लाख रुपये आपकी जेब में होना चाहिए ताकि 6 महीने तक आप मुतमिन होकर काम कर सकें। अच्छा, जैसा कि हमने देखा कि हर कारोबार के जो है ना पचीदगियाँ होती हैं जिनको हम नट्स और बोल्ट्स कहते हैं, तो ये काम ही नट्स बोल्ट्स का है, बड़ा पचीदा काम है। अभी मैं बैठा देख रहा था जो भी कस्टमर आता था तो मुनीर भाई उसको क्योंकि इन चीज़ के हिसाब से कीलें होंगी या बाकी आइटम है तो बड़ा पचीदा काम है, तो थोड़ा इस बारे में हमें गाइड कीजिएगा कि ये पचीदगी सीखने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है। ये हार्डवेयर के काम में पेचीदगियाँ बहुत हैं, इसमें खासी तजर्बा की ज़रूरत है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के साइज़ हैं, कीलों के साइज़ हैं, नट बोल्ट के साइज़ हैं, खरपेचों के साइज़ हैं और इसी तरह पेंट के कलर हैं, कलरों के नाम हैं, इनके साइज़ हैं। इस काम को सीखने के लिए कम अज़ कम आपको 10 से 20 साल का तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है, और ये अगर उस्ताद अच्छा मिल जाए तो आप बहुत जल्दी इसको पिक कर सकते हैं। अगर आपको उस्ताद अच्छा नहीं मिला तो फिर आप इस काम को बिल्कुल डील नहीं कर सकते, ना आप इसको हैंडल कर सकते। और तो इस काम के जो मैंने बताया साइज़ बहुत हैं, कीले हैं, कीलों के 12 नंबर हैं, 14 नंबर हैं और 10 नंबर है, 8 नंबर हैं, इसी तरह पेचों के भी साइज़ हैं, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, फिर इस तरह नट बोल्ट हैं, नट बोल्टों में मोटाई का हिसाब होता है, 1 सूत्र, 2 सूत्र, 2.5 सूत्र, 1.5 सूत्र, 1.25 सूत्र, 5/32, 1 सूत्र, ये मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। तो इन कामों को सीखने के लिए अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है। आप अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इस काम को पहले आप किसी शॉप में आप इसको जॉब करें और मुलाजमत करें और फिर इंशाल्लाह उसका अच्छा खासा तजर्बा जब आपको हो जाए तो फिर इस काम को आप का आगाज़ शुरू करें। जी बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा इसके नट्स और बोल्ट्स हैं, पचीदगी वाला काम है, तो इसको सीखने के लिए टाइम भी रिक्वायर होगा। तो व्यूअर्स को अक्सर हम कहते हैं कि आप पहले जो है ना ज़रूर उस काम को सीखें, जैसा कि मेरी एक वीडियो भी है, जॉब इज़ अ जर्नी ऑफ बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस का सफ़र शुरू ही मुलाजमत से होता है, तो मुलाजमत ज़रूर करनी चाहिए। ताकि हमें मुनीर भाई थोड़ा सा बताइएगा कि रनिंग आइटम जो हैं इस बिज़नेस के अंदर कौन कौन से हैं, पेंट हैं या स्क्रू वगैरह है, बाकी चीज़ें ज़रा उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल बता दें। सामईन हज़रात, जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया कि मेरी दुकान जो है नेक आलम भट्टा मौला राजा सुल्तान में वाक़िया है, यहाँ जो है मोहल्ले की ज़रूरियात हैं, यहाँ सारी आइटमें रनिंग है, कोई भी आइटम आप रखेंगे, मट्टी भी रखेंगे इंशाल्लाह वो भी बिक जाएगी। यहाँ पेंट्स मैंने रखा हुआ है, हार्डवेयर रखा हुआ है, सेंट्री रखा हुआ है और बिजली का सामान रखा हुआ है, यहाँ सारी चीज़ें माशाल्लाह मेरी चलती हैं, क्योंकि घर की ज़रूरियात हैं, घर में किसी को बिजली की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को सेंट्री की ज़रूरत पड़ सकती है, पेंट की, झाड़ू की, वाइपर की, और इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने रखी हुई हैं। और तब ये मोहल्ले की दुकानदारी में अखराजात निकलते हैं। अगर इस मोहल्ले की दुकानदारी में आप एक आइटम रख के बैठते हैं तो वो आपका जो है दुकान के अखराजात और घर के अखराजात नहीं निकल सकते, यहाँ आपको दुकान पे जो है ना वो खिचड़ी पकानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप किसी मेन मरकज़ में आप शॉप डालते हैं तो वहाँ तो माशाल्लाह वो एक आइटम भी रख के बैठे हैं तो वो भी माशाल्लाह उसमें इतनी बरकत है कि वो भी आपको शाम को अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ अच्छा रिज़ल्ट हासिल करने के लिए, मोहल्ले में अच्छा रिज़ल्ट हासिल करने के लिए वो जो है आपको यहाँ रस्सियाँ सारा कुछ मिक्स सामान रखना पड़ेगा। और मेरी जो मशहूर आइटमें हैं जो ज़्यादा चलने वाली हैं वो ज़्यादा कीले हैं, नेट बोल्ट हैं
और खरपेचे हैं, स्क्रू हैं और इसी तरह पेंट्स हैं। और मोहल्ले में जो हमारी जो पेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ सबसे सस्ती बाल्टियाँ बिकती हैं, महंगी बाल्टी नहीं बिकती। मैंने यहाँ बर्जर भी ला के रखा था, ड्यूलेक्स भी ला के रखा और इसी तरह मैंने मास्टर भी ला के रखा था और ब्राइटो भी ला के रखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइटो की अच्छी सेल है, होम ब्राइट की भी अच्छी सेल है और अब यही दो चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादातर ग्राहक पेंट्स में ब्राइटो मांगता है और हार्ड होम ब्राइट का पेंट्स मांगता है। बाकी लोकल पेंट्स जो मैंने रखे हुए हैं, जो गली मोहल्लों में फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, उनसे हम माल खरीदते हैं, लेकिन उनकी सेल कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि वो ज़ाहरी बात है माल भी अच्छा नहीं है। जो माल अच्छा है उसकी रनिंग भी अच्छी है, उसकी सेल भी अच्छी है। जी, हमने देखा कि एक बड़ी कंपनी की तरह मनीर साहब की शॉप के भी चार डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से? एक तो बिजली का डिपार्टमेंट हो गया, एक सेंट्री का हो गया हार्डवेयर, और चौथा पेंट का डिपार्टमेंट। यानी कि आप एक ही काम के साथ चार काम अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है वो रख सकते हैं। तो लास्ट जो है, यानी कि हमें ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इसकी होलसेल मार्केट जो है, हम क्योंकि पिंडी से आपको पता है शो करते हैं, तो पिंडी के हवाले से हमें बता दें कि क्या सिर्फ पिंडी की में ही होलसेल मार्केट है या लाहौर या कराची से हमें माल मंगवाना पड़ेगा? सर, ये तो आपके ऊपर है, आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, उसको मज़ीद प्रोग्रेस देना चाहते हैं, मज़ीद उसको एक ऊपर लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाहौर से इसकी ख़रीदारी करनी पड़ेगी, कराची से ख़रीदारी करनी पड़ेगी और इसी तरह पेशावर से ख़रीदारी करनी पड़ेगी। ये इनके होल सेल मरकज़ हैं जहाँ से आपको माल सस्ता मिल सकता है और अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं, मेरे पास इतनी सरमायाकारी नहीं है, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, ना मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो इसके लिए हमारे यहाँ पिंडी के अंदर एक मोची बाज़ार है जो राजा बाज़ार के साथ उसका ताल्लुक है, तो यहाँ से हम ख़रीदारी करते हैं मोची बाज़ार से। और जहाँ से 10,000 की कभी ख़रीदारी कर ली, कभी 20,000 की कर ली, कभी 30 की, जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की, हम यहाँ से ख़रीदारी करके अपना माल यहाँ परचेज़ करते हैं और सेल भी करते हैं। मेन मरकज़ है पिंडी का होलसेलर, वो मोची बाज़ार ही है और हम यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। ज़्यादा दूर हम जाते नहीं हैं, ना लाहौर गए हैं कभी, ना कराची में गया हूँ, ना मैं कभी पेशावर गया हूँ, क्योंकि ये एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। और एक काम, इस शॉप को मज़ीद तरक्की देने के लिए कम अज़ कम आपके दो भाई लाजमी होने चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि एक दुकान पर हो, दूसरा ख़रीदारी करता हो, और या आपका सेलमैन इतना दयानतदार ईमानदार हो कि जिस पर आप मुकम्मल इतमाद कर सकें, मुकम्मल भरोसा कर सकें कि वो जो है वो आपकी एक रुपये की भी चीज़ जो है वो उसका नुकसान आपको नहीं पहुँचाएगा, तो फिर तो आप बाहर निकल सकते हैं, लाहौर जाएँ, लाहौर से ख़रीदारी करके लाएँ, पेशावर जाएँ, कराची जाएँ और इसी तरह फैसलाबाद जाएँ। ये इनके हार्डवेयर पेंट्स और इसी तरह सेंट्री हो गई। सेंट्री के लिए गुजरांवाला जाना पड़ता है, वहाँ इनकी होलसेलें कारखाने भी हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं, वहाँ शॉप भी हैं होलसेलर, तो वहाँ जाकर आप ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है तो फिर आप जो है वो मोची बाज़ार या 6 रोड या सिटी सदर रोड, तो यहाँ से ख़रीदारी करके आप अपनी दुकान को चला सकते हैं, घर के अखराजात पूरे कर सकते हैं। मैं अपने सामेईन हज़रात को एक अहम मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि पेंट का बहुत बड़ा इसमें अहम दखल है। पेंट में आपने देनदारी और ईमानदारी से काम लेना है। आजकल जो पेंटर आते हैं पेंट लेने के लिए, वो अक्सर मालिक से भी मजदूरी ले लेते हैं और दुकानदार को भी कहते हैं कि हमें कमीशन दो, हमने आपकी 4 ड्रमियाँ बिकवाई हैं, हमने आपसे 5 ड्रमियाँ ख़रीदी हैं, हमने आपसे 6 ड्रमियाँ ख़रीदी हैं, और पर ड्रमी के हिसाब से हमें 200 रुपया है या 500 रुपया है, जो आपका एग्रीमेंट हुआ है पेंटर के साथ, तो वो आप हमें दें। तो पेंटर क्या करता है, पेंटर मालिक से भी मजदूरी ले लेता है, फिर दुकानदार के पास आता है, उससे भी कमीशन ले लेता है। अब 5 ड्रमियाँ लिए हैं तो 200 रुपये ड्रमी के हिसाब से 1,000 रुपया वो दुकानदार से ले गया। अगर 500 रुपये के हिसाब से उसकी डील हुई है दुकानदार की पेंटर के साथ, तो वो 5 × 20 2,000 रुपये ले जाता है। तो ये मैं सामईन हजरात को कहूँगा जो भाई कारोबार करना चाहते हैं, कि ऐसे पेंटरों को दुकान में मत दाखिल होने दें जो मालिक का भी नुकसान करते हैं और दुकानदार का भी नुकसान करते हैं। और दुकानदार भी मालिक की जेब से पैसे निकाल के देता है, तो वो अपनी जेब से तो नहीं देगा 1,000 रुपया पेंटर को या 2,000 रुपया पेंटर को, तो वो भी अपने कस्टमर की जेब से निकाल के देगा। तो मैं भाई अपने भाइयों को कहूँगा कि आप जो है ऐसे पेंटरों को दुकान पर मत दाखिल होने दें, और इनको भी इनकी भी सलाह करें कि भाई जब आपने मजदूरी ले ली है तो अब आपकी कमीशन का आपके इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ड्रमी के अंदर को जो टोकन निकलता है, जैसे ब्राइटो वाले टोकन डालते हैं और इसी तरह ड्यूलेक्स वाले टोकन डालते हैं, बर्जर वाले भी डालते हैं, इन्होंने भी टोकन से आगाज शुरू किया था, तो ये टोकन भी अगर कोई ड्रमी से निकल आता है वो तो ठीक है, अगर टोकन के अलावा दुकानदार अगर पेंटर के साथ डील करके उसको गंदा माल देता है तो उस पर कमीशन देता है, तो ये मैं कहूँगा कि ऐसा काम मत करें और ऐसे पेंटरों से, धोखेबाजों से आप दूर रहें और अपनी दुकान को शीशे की तरह साफ़ रखें,
और इसको बिल्कुल आईने की तरह दयानतदारी के साथ अपना कारोबार करें, उसमें अल्लाह भी खुश है और अल्लाह का रसूल भी खुश है। जी बहुत शुक्रिया, इतना ज़बरदस्त आपने हमें एक्सप्लेन किया कि होलसेल मार्केट किन किन जगहों पर है और कैसे कौन से रनिंग आइटम है, कैसे शुरू कर सकते हैं और कितने इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। तो सारा आपने बड़ा अच्छा मुनीर भाई डिटेल से हमें बताया। तो आखिर में कुछ टिप मेरे व्यूअर्स को देना चाहें, कोई एडवाइस, कोई नसीहत करना चाहें? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने सामईन हज़रात को, मेरे देखने वाले भाइयों को मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप जो है कोई भी शॉप, कोई भी काम शुरू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह को याद रखें कि मैं ये इस काम का आगाज़ उसके बाबरकत नाम से शुरू करूँ, और फिर उसका बाबरकत नाम लेकर जब उस काम का आगाज़ किया जाए तो ईमानदारी और दयानतदारी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा लाल मुनाफा ज़्यादा मैं ना हूँ। जी हमने देखा कि किसी भी कामयाब कारोबार के पीछे दयानतदारी का बहुत अमल दखल है और हमारे दीन का भी यही पैगाम है। और उसके अलावा मनी बैक गारंटी, जो मुनीर भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की, अक्सर हमारे हम देखते हैं, हमारे साथ भी ये एक्सपीरियंस होता है कि एक दफ़ा चीज़ परचेज़ कर ली तो दोबारा अगर हम दुकानदार के पास जाते हैं तो वो वापस नहीं करता। तो आपने अपनी मनी बैक गारंटी, यानी कि अगर वो उसी हालत में वापस कर देता है तो आपने कोई भी जो है ना बग़ैर नखरा दिखाया या कुछ इस तरह का गुस्सा दिखाया आपने वापस चीज़ ले लें तो बरकत अल्लाह ताला उसमें डालेगा। तो बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, आपने हमें टाइम दिया। और आखिर में यही है कि आपको अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बहुत